ओके सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डन अप टू दिस कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, ये इतना हमने डेरिवेशन जो पार्ट है वो हमने कर लिया था। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हमने लास्ट लेक्चर में ये डिराइव किया था, जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज। अब इसको अगर हम प्लॉट करें तो प्लॉट इज लाइक दिस, मतलब कि पहले जो है अगर टेम्परेचर टी वन की बात करें तो मॉलिक्यूल्स विद वेरी लो वेलोसिटी एंड मॉलिक्यूल्स विद वेरी हाई वेलोसिटीज आर वेरी लेस, और मॉलिक्यूल्स विद द इंक्रीज इन स्पीड, जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का वो इंक्रीज करता है और रीच इज अ मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग मैक्सिमम, मतलब फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जिसने ये वेलोसिटी ली है, मतलब उनको ये मतलब वेलोसिटी पजेस्ट बाई मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है, ये जो पीक है वो डिसाइड कर रहा है कि दिस वेलोसिटी इज पजेस्ट बाई मैक्सिमम फ्रैक्शन, और उसको क्या बोलते हैं हम, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और उसके बाद जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का वो भी डिक्रीज होगा और अगेन रीचेज मिनिमम, मतलब ये मिड में कोई एक पीक आ रहा है। ठीक है, जहां पे फ्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम फ्रैक्शन ने जो वेलोसिटी अटेन की है या पजेस्ट की है उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब टेम्परेचर के साथ क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है डायरेक्ट, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर, इसका मतलब वेलोसिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, ये वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, मतलब यहाँ पे T3 जो है दैट इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T1, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है, किन मॉलिक्यूल्स की जिनकी वेलोसिटी लो थी उनकी बढ़ गई, और जो इसका मतलब जो हायर वेलोसिटी वाले हैं मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, लो वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे, और देखो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ऑल्दो फ्रैक्शन जो है कम हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस वेलोसिटी वो डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कर्व फ्लैट होता जाएगा, वी जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो फिक्स है, टेम्परेचर चेंज करने से हो क्या रहा है कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, तो जिन मॉलिक्यूल की हायर वेलोसिटी है वो बढ़ते जाएंगे, जिनकी लो वेलोसिटी है वो कम होते जाएंगे, इसलिए कर्व क्या होता जा रहा है, फ्लैट। ठीक है, तो देखो वी सी दैट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटीज ग्रेटर देन जीरो, पहले तो इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, फिर क्या हो रहा है मैक्सिमम आ जाती है, और फिर इट फॉल्स ऑफ टुवर्ड्स जीरो अगेन एट हायर वेलोसिटीज। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस कर्व, पहला कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद वेरी लो वेलोसिटी और वेरी हाई वेलोसिटी वो क्या है, कम है ना, ऐसा है ना कर्व, इधर भी बिल्कुल कम इधर भी बिल्कुल कम, और देर इज अ सर्टन वेलोसिटी फॉर विच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम, मतलब वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ने अटेन की है ली है उसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ अ गैस इज द वेलोसिटी पजेस्ड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी चेंज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी बढ़ेगी, इट क्रॉस्पॉन्ड्स टू द पीक ऑफ द कर्व, जो भी कर्व के पीक होंगे वो वैल्यू जो है उस पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू क्या डिपेंड करती है, अगर टेम्परेचर सेम है तो इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, और टेम्परेचर के साथ तो चेंज होगा ही,
तो इसलिए लिख गए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज। तो मोस्ट वेलो वेलोसिटी जो है इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, जैसे फिगर में शो किया है। देखो ये अगर मैं सीपी वन ले लू, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वन, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी टू, मोस्ट प्रोबेबिलिटी थ्री, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी बढ़ रही है। थ्री टू और वन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है इनफैक्ट शिफ्ट्स टू द राइट विद राइज इन टेम्परेचर। इससे टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो शिफ्ट कर रहे हैं ना राइट की तरफ, वो ऊपर होता जा रहा है ना। देखो पहले क्या था इस तरह से, फिर टेम्परेचर बढ़ने से वो इधर आ गया, फिर और बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से इट शिफ्ट टू द राइट। तो राइज इन टेम्परेचर देयरफॉर इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स having high velocities and this can be understood mathematically. अगर mathematically देखें हम, तो हमने देखा dn by n is proportional to e raised to power minus mc square upon 2kt. तो ये जो exponent है उसका sign क्या है, negative. तो temperature increase होगा और temperature कहाँ पे है, denominator में, तो temperature increase होगा तो ये value क्या होगी, decrease, मतलब नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले मान लिया माइनस थ्री था और अब माइनस टू है, तो कौन ज्यादा है, माइनस टू। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो ये एक्सपोनेंट की वैल्यू है मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, बट क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है देयरफॉर द फैक्टर इंक्रीजेस मार्केबली, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ये जो फैक्टर है ई रेस्ट पर, अगर मैं हाफ एम सी स्क्वेयर को ई लिख दो, ये जो है माइनस एम सी स्क्वेयर ओवर टू के टी है, तो हाफ एम सी स्क्वेयर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है इसको और क्या बोलते हैं, हम बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। इसलिए कई बार मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं हम इसको, अभी लिखा ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन टू के टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन के टी। तो दिस ई गिव्स काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, तो ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ ई, क्यों, क्योंकि ई जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो there is rapid increase of the Boltzmann factor with increase in temperature and this conclusion finds application in the theory of reaction rates also. Okay, jaise jaise temperature badhta hai to rate of reaction bhi badhta hai na, kyun, kyunki fraction of molecules badhte hain with higher energy, to wo activation energy wala concept tha na, aise karke energy versus reaction coordinates hum aise banate the, hum bolte the डी एन बाई एन, वैसा सेम ग्राफ वर्सेस एनर्जी, और यहां से आगे वाले मॉलिक्यूल जो है उनकी उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है मान लिया, ठीक है। इसको थोड़ा ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये एनर्जी, तो ऐसा ग्राफ आता है और हम बोलते हैं कि इससे ईए से ज़्यादा एनर्जी होगी तो इन ये मॉलिक्यूल जो है कोलिजन इफेक्टिव करेंगे, वो आर इन एस इक्वेशन। ई अपॉन आर टी लेते हैं हम, आर होता है पर मोल और के होता है पर मॉलिक्यूल, तो ये फ्रैक्शन जो है ये है वो वाला फ्रैक्शन। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फ्रैक्शन बढ़ता है, तो हम बोलते हैं फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज ऑलमोस्ट डबल्ड, ऐसे बोलते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये फ्रैक्शन बढ़ता है, और ये फ्रैक्शन बढ़ेगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी, और के की वैल्यू बढ़ी मतलब
अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर के वन और टी वन और के टू और टी टू है, तो टी टू अगर टी वन से ज्यादा है तो के टू भी के वन से ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये वाली वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि के इक्वल टू ए इंटू दिस फ्रैक्शन, और ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ई और ग्रेटर देन ई। ठीक है, अगर इसमें अब करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जीज। अभी हमने किया एनर्जीज वेलोसिटीज, अब काइनेटिक एनर्जीज। तो वेलोसिटी के लिए ये रिलेशन था पी सी डी सी, दैट इज ऑल्सो रिटन एज डी एन बाई एन इक्वल टू 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के टी 3/2 सी स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वेयर अपॉन 2 KT डी सी। ये जो था 4 पाई सी स्क्वेयर डी सी निकाला था ना, ये कि अगर कोई ऐसे शेल है तो उसकी विड्थ डी सी है तो उसका वॉल्यूम इतना आएगा, इसका विड्थ का क्या था, 4 पाई स्क्वेयर 4 पाई सी स्क्वेयर डी सी डिराइव किया था, और ये वाले रिलेशन थे। ओके, तो बोला विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन इट इज पॉसिबल टू नो हाउ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द वेरियस मॉलिक्यूल्स। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जीज इन द रेंज ऑफ ई एंड ई प्लस डी ई, मतलब डी एन ए अपॉन एन, तो उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं कैसे। देखो ये जो ई एंड ई प्लस डी ई है, इसका मतलब ये देखो हम ये मार्क कर लेते हैं कि ये ई है, यहां तक जो है ना मैंने ये लिखा ना, लेट अस से कि ये ई है। और यहां तक ई प्लस डी ई, तो इस रीजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने की बात हो रही है। ई और ई प्लस डी के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, वी नो ई इक्वल टू हाफ एम सी स्क्वेयर, तो यहां से सी स्क्वेयर क्या हो गया, ये 2 इधर गया 2e अपॉन m, तो सी क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट। अब इसको क्या कर दिया हमने, इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो सी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2c इंटू डी सी, और ई की क्या हो जाएगी, डी, क्योंकि एम तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो सी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन की तो वो होगी 2c dc, और ई की हो गई डीई। ठीक है, इसको हम यहां से भी कर सकते थे, देखो अगर मैं इसको करता डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सी डीई अपॉन डीसी, तो ये क्या हो जाता, हाफ एम इंटू 2c, फिर सी है ना विद रिस्पेक्ट टू, तो ये आ जाता। तो यहां से ये जो रिलेशन है, देखो ये डी ऐसे रहेगा 2, इधर लिखता हूं ये है 2c ये वाला पार्ट, और ये डी सी ये आ गया, दैट इज इक्वल टू, अब क्या बचा, ये 2 अपॉन m, 2 अपॉन दूसरी साइड ले गया मैं, और इंटू डी, ऐसे भी कर सकते हैं, समझ आया कि यहीं पे डिफरेंशिएशन कर देता मैं तो ऐसा हो जाता, तो 2 तो कॉमन था इसलिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो सी डी सी जो है दैट इज इक्वल टू डी ई अपॉन एम। तो सी स्क्वेयर इंटू डी सी में सी डी सी तो निकाल लिया हमने डी ई अपॉन एम, तो सी स्क्वेयर क्या लिख सकते हैं, सी इंटू सी डी सी, तो सी इंटू डी सी की वैल्यू आ गई डी ई अपॉन एम।
और इंटू सी, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है, टू ई अपॉन एम रेज टू पावर वन बाई टू। मतलब जितने भी सी हैं, मतलब वेलोसिटीज हैं, उनको हमने ई से चेंज कर दिया और डी सी को डी ई से। तो ये रिलेशन आ गया अपने पास, टू ई अपॉन एम रेज टू पावर वन बाई टू इंटू डी ई अपॉन एम। अब ये एम रेज टू पावर वन बाई टू, ये एम रेज टू पावर वन, तो एम रेज टू पावर टू बाई थ्री हो गया, और ये टू ई की पावर वन बाई टू इंटू डी ई, तो ये आ गया सी स्क्वेयर डी सी की वैल्यू। वी कैन पुट लाइक दिस, तो पी सी डी सी जो है दैट इज डी एन ई अपॉन एन, फोर पाई ऐसा रहेगा, एम अपॉन टू पाई के टी थ्री बाई टू, सेम वही सेम रिलेशन आ गया। अब हमने क्या किया, ये जो था आगे क्या था, एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वेयर अपॉन टू के टी, तो उसकी जगह हो जाएगा माइनस ई अपॉन के टी, ये जो था ना माइनस एम सी स्क्वेयर अपॉन टू के टी, तो हाफ एम सी स्क्वेयर जो है दैट इज ई, तो एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन के टी, ये हो गया एक पार्ट। अब सी स्क्वेयर डी सी की वैल्यू भी निकाल ली हमने, तो सी स्क्वेयर डी सी की जगह ये रख दिया पूरा, सी स्क्वेयर डी सी की जगह ये पूरा रख दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट इज टू इंटू अंडर रूट ई डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई के टी रेज टू पावर थ्री बाई टू और एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई अपॉन के टी इंटू डी। तो इसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जीज। तो ये आगे इक्वेशन, ये नंबर भी दे दिए इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर फाइव। ये पूरी शर्मा पठानिया से ये न्यूमेरिकल लिया है कि कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट वन एटमोस्फियर एंड 27 डिग्री सेल्सियस हुज काइनेटिक एनर्जीज लाइज इन द रेंज ऑफ ई माइनस 0.005 ई एंड ई प्लस 0.005 ई। तो पहले तो ये रिलेशन लिख दिया जो अभी हमने डिराइव किया, डी एन ई अपॉन एन इक्वल टू टू अंडर रूट ई अपॉन अंडर रूट पाई के टी रेज पर थ्री बाई टू एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन के टी इंटू डी। तो 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टेम्परेचर कितना हो गया 300 केल्विन, केल्विन में रखना होता है टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल टू थ्री बाई टू के टी, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी आएगा दैट इज थ्री बाई टू के टी। ये डिराइव किया है हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन के टाइम, पर मॉलिक्यूल ये इतनी एनर्जी आती है। के की वैल्यू 1.38 इंटू 10 रेज पर माइनस 23 जूल पर केल्विन, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टेम्परेचर हो गया 300, तो उससे ये आ गया अपने पास एनर्जी का वैल्यू 6.21 इंटू 10 रेज पर माइनस 21 जूल। उसके बाद डी ई की वैल्यू निकाल लो, हायर माइनस लोअर करके ये वैल्यू आ गई 0.001 ई, और ई की वैल्यू पता ही आपको 6.21 इंटू 10 रेज पर माइनस 21, तो यहाँ पे 0.01 है साथ में, तो कितना हो गया माइनस 23, इतने जूल आ गए डी ई। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, क्या थी 2 इंटू अंडर रूट ई अंडर रूट पाई के टी रेज पर 3 बाई टू एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन के टी इंटू डी। आपको कैलकुलेटर तो मिलता है ना, कैलकुलेटर अलाउड है ना, हाँ, तो कैलकुलेशन आपके करने कोई ज़्यादा होनी पड़ेगी है ना। ये 2 इंटू 6.21 इंटू 10 रेज पर माइनस 21 रेज पर 1 बाई टू, और ये पाई की वैल्यू 1 बाई टू, और के टी ये 1.38 इंटू 10 रेज पर माइनस 23 और टेम्परेचर 300, तो ये आ गया 3 बाई टू और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, और डी ई की वैल्यू ये आ गई, सारी वैल्यू रख दी और फिर आपने सॉल्व कर दी। सिर्फ ये एक्सपोनेंशियली बचा सॉल्व करने के लिए, एक्सपोनेंशियल माइनस 1.5, तो उसको मैंने यहाँ ले लिया एक्स, एक्स इक्वल टू ई रेज पर माइनस 1.5, फिर नेचुरल लॉग ले लिया, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा माइनस 1.5,
क्योंकि नेचुरल लॉग जो होता है उसका बेस ई होता है, तो कॉमन लॉग नहीं लेंगे इसमें, क्या लेंगे? नेचुरल, क्योंकि नेचुरल लॉग का बेस होता है ई और जो कॉमन लॉग होता है उसका बेस होता है 10। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया -1.5, फिर मैंने इसको कॉमन किया लॉग एक्स, तो दैट इज उससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2.303, तो वो मैंने नीचे ले लिया तो उससे आ जाएगा -0.6513। फिर एक ऐड किया एक माइनस किया, क्योंकि नेगेटिव का लॉग नहीं ले सकते हम, तो मेंटिसा जो होता है डेसिमल से पीछे वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसको क्या किया, ये 0.3486 और ये -1, तो 1 bar 0.3486, तो एक्स क्या हो गया एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। तो इसका एंटी लॉग जो आगे नंबर होता है ना डेसिमल से पहले उसको 10 की पावर में लिख देते हैं, ठीक है, और 0.3486 का एंटी लॉग ले लिया तो वो आया 2.2315 इंटू 10^-1, तो आएगा 0.22315। तो एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये एक्सपोनेंशियल -1.5 की वैल्यू ये है, और मल्टीप्लाई करके वी गेट दिस वैल्यू। तो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हैविंग वेलोसिटी बिटवीन, हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन द रेंज ऑफ दिस एट 27°C, ठीक है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ वो यही चेंज करेगा या टेम्परेचर चेंज कर देगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है, सेम स्टेटमेंट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी की रेंज डिफरेंट हो सकती है, टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, ओके। नाउ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो सेम वैसा ही होगा कि लो टेम्परेचर पे जो लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं वो ज्यादा होंगे, और हाई टेम्परेचर पे जो है हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फैक्टर जो है 1/n dNe/dE उसको प्लॉट किया अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो इस ग्राफ से क्लियर है कि जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है ये जो है दिस इज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, जस्ट लाइक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ना, तो वो भी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में अभी बड़ा हमने कि क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है ना, तो मैक्सिमम इन द प्रोबेबिलिटी फंक्शन कॉरस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 इट कैन बी इजिली शोन दैट जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज गिवन बाई KT/2 पर मॉलिक्यूल और RT/2 पर मोल ऑफ द गैस। तो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है पर मोल उसको कैसे लेंगे, 3/2 NaKT है ना, तो ये गलती से थ्री बाई टू के टी होगा ना, और ये 3/2 RT है ना। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल कैसे आएगी, 3/2 NaKT, क्योंकि 3/2 KT क्या है, पर मॉलिक्यूल, तो पर मोल कितना होगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो एवोगाड्रो नंबर इंटू के जो है दैट इज आर एंड दैट इज गैस कॉन्स्टेंट। नाउ टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज विच आर कंसिडर्ड इन द स्टडी ऑफ गैसेज। पहली है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अभी किया था हमने, दूसरा एवरेज वेलोसिटी, थर्ड इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अभी डेफिनेशन करी थी हमने, क्या होती है, वेलोसिटी पजेस्ट बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट अ गिवन टेम्परेचर। पानी पिला देना मुझे। और द एवरेज वेलोसिटी जो है दैट इज गिवन बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज पजेस्ट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट अ गिवन टेम्परेचर। जैसे मान लिया U1, U2, U3, so on, UN ले लिया हमने इंडिविजुअल वेलोसिटीज, और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री सो ऑन प्लस यू एन डिवाइडेड बाई एन. तो दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. अगर इंडिविजुअल वेलोसिटीज ऐसे, अगर ग्रुप में है कि मान लिया एन वन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है यू वन, एन टू मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है यू टू, एन थ्री मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है यू थ्री एंड सो ऑन, तो क्या जाएगा एन वन यू वन प्लस एन टू यू टू प्लस एन थ्री यू थ्री डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री एंड सो ऑन. ठीक है. नाउ लास्ट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. अच्छा, इनके हम फिर ये डिराइव भी करेंगे रिलेशन, कि जैसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है तो उसकी जो वैल्यू होती है इसके बराबर होती है अंडर रूट एट के टी अपॉन पाई एम, या पर मॉलिक्यूल ऐसा, और एट आर टी बाई पाई एम. ये डिराइव करेंगे अभी हम. फिर एवरेज वेलोसिटी के लिए टू आर टी बाई, अच्छा ये टू आर टी बाई एम इसका होगा ना, सॉरी ये होगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और इसका रिलेशन आ जाएगा एट आर टी और पाई एम. और जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसको म्यू से डिनोट कर रहा हूं मैं, और उसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री आर टी बाई एम. ठीक है ना, नॉर्मल नॉर्मल. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है दैट इज डिफाइंड एज, देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द वेलोसिटीज, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज. तो पहले वेलोसिटी लेनी है, उनका क्या करना है स्क्वायर, यू वन स्क्वायर यू टू स्क्वायर यू थ्री स्क्वायर सो ऑन, और फिर क्या करना है उनका मीन ले लेना है. देखो पहले वेलोसिटीज ली, फिर उनका क्या किया हमने स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद उनका मीन और मीन का रूट, तो दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट अ गिवन टेम्परेचर. तो लेट अस से ये सेम वही है यू वन यू टू यू थ्री एंड सो ऑन इंडिविजुअल वेलोसिटीज हैं ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. तो क्या हो जाएगा एन वन यू वन स्क्वायर प्लस एन टू यू टू स्क्वायर प्लस एन थ्री यू थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री और उसका स्क्वायर रूट. सेम जब एवरेज करते हैं तो सिर्फ एन वन यू वन हो जाता है, यहाँ एन वन यू वन स्क्वायर हो रहा है. देखो डिफरेंस देख लो, वहां एन वन यू वन प्लस एन टू यू टू प्लस एन थ्री यू थ्री डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री ऐसे करते थे, इसमें क्या कर रहे हैं एन वन यू वन स्क्वायर एन टू यू टू स्क्वायर एन थ्री यू थ्री स्क्वायर डिवाइड बाई दिस ऑल पावर वन बाई टू. ठीक है, मतलब अगर मैं सी इंटू पी सी डी सी करूं और सी स्क्वायर पी सी डी सी रेज टू पावर वन बाई टू, तो ये होगा एवरेज, ये क्या होगा रूट मीन स्क्वायर. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज इट इज पॉसिबल टू डिराइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. इन तीनों के लिए वी कैन डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. इसके लिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये अपने सिलेबस में है डेरिवेशन. तो डेरिवेशन है तो उसकी डेफिनेशन भी ऑब्वियसली आएगी. तो सी पी टू आर टी बाई एम स्क्वायर रूट यू मतलब एवरेज, ये होगी मोस्ट प्रोबेबल. ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी और ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ये तीनों आगे तो इनका रेशियो अगर देखें हम तो ये आएगी अंडर रूट टू अंडर रूट एट अपॉन पाई अंडर रूट थ्री.
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को अगर वन ले लें तो इट इज 0.92, ये 0.82, एग्जैक्ट 0.816 होता है, ये 0.9213 होता है, टेक इट एज 0.92 एंड 0.82, एग्जैक्ट लेना है तो ये ले सकते हैं। ओके नाउ डेरिवेशन, फर्स्ट डेरिवेशन। तो आपने देखा कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है उसमें जब हम वो ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो जब मैक्सिमा आता है मतलब फ्रैक्शन, ये कौन सा जगह है, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा को अगर डिफ्रेंशिएट करें ना, मैक्सिमा क्या होगा, कांस्टेंट। मान लिया कोई बॉल फेंके हम, तो जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी उस वक्त तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कोई बॉल फेंके ऊपर और उसकी वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर ले तो उस वक्त तो उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो। तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, नहीं है, नहीं पढ़ते थे 12th में, 11th 12th में नहीं था, होगा किसी ने ऐसा बताया नहीं, बताया होगा पर पीछे धूल खा गए होगी, है ना, कोई बात नहीं। तो मैक्सिमा की बात हो रही है ना, तो जो मैक्सिमम होता है वो कांस्टेंट होता है, एक मैक्सिमम इज कांस्टेंट, है ना। तो अगर डिफ्रेंशिएट करें इस इक्वेशन को, ये dn by n को विद रिस्पेक्ट टू c, है ना, एंड सेटिंग द रिजल्ट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो तो चेंज नहीं होगी ना एट अ गिवन टेम्परेचर, वो जो फ्रैक्शन है जो मैक्सिमम अटेन हो गया वो क्या होता है, स्टेडी स्टेट। मैंने बताया था, वो स्टेडी स्टेट की बात भी बताई थी आपको, क्या होता है स्टेडी स्टेट, नहीं बताया, के मान लिया 100 मॉलिक्यूल थे इस फ्रैक्शन पे और 100 में से 5 चेंज हो जाते हैं किसी और उसमें वेलोसिटी में, तो दूसरे 5 जो हैं जो वो वापस ओरिजिनल पे आ जाएंगे, मतलब वो फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा एट अ गिवन टेम्परेचर, वो फ्रैक्शन सेम रहेगा, इंडिविजुअल चेंज होते रहेंगे, बट वो अगर 100 हैं तो रहेंगे 100 ही, 100 में से 5 आ गए दूसरे में तो 5 वापस उसमें चले जाएंगे ओरिजिनल, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। तो ये बोलता है कि dn by n pc into dc, ये हमने रिलेशन ड्राइव किया था 4πm/2πkT3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2kT इंटू सी स्क्वायर dc, ठीक है। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी तो dn by n रिमेन सेम, फ्रैक्शन तो सेम ही रहेगा ना, वो उस पर्टिकुलर मोमेंट बाकी चेंज हो रहा है बट वो फ्रैक्शन मैक्सिमम, मैक्सिमा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होती है, वो जीरो। वो किसी किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्या होगी, हाँ तो वैल्यू क्या होगी इसकी, जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ, अब dn by n वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि स्टेडी स्टेट आ गई है ना, और वो मैक्सिमा है, मैक्सिमा विल नॉट चेंज, तो वो जो चेंज नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा, जीरो। तो 4πm/2πkT3/2 ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो बचा क्या, ये वाला पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये ले लो फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2kT और सी स्क्वायर ले लो सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन अगर करते हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ मान लिया ये फर्स्ट इंटू सेकेंड है ना डीएक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन, तो क्या होती है डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही है ना। तो अगर एक्सपोनेंशियल माइनस
एम सी स्क्वेयर अपॉन टू के टी की डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी, तो क्या आता है ये? पहले तो सेम आ जाता है, जो एक्सपोनेंशियल होता है वो वैसा वैसा आ जाता है ना जब डिफरेंशिएशन करते हैं, और फिर इसकी फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एम अपॉन टू के टी तो ऐसा ही आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा टू सी। वेरी गुड, तो टू एम सी आ जाएगा, तो ये कैंसिल, मतलब ये आ जाएगा माइनस एम सी अपॉन के टी। समझ आया ना ये कैसा है? तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और दूसरा आया सी स्क्वायर, दूसरा फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन तो टू सी होगा। तो देखो ये आया 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के टी 3/2 ऐसे कैसा, और ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे रख दिया और सेकंड की डिफरेंशिएशन, तो क्या होगी टू सी। फिर सेकंड ऐसे रख दिया और फर्स्ट की डिफरेंशिएशन क्या होगी, एक्सपोनेंशियल ये सेम रहेगा पहले और फिर माइनस 2 mc अपॉन 2 kt, तो माइनस mc अपॉन kt, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया अब एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 kt, दोनों में कॉमन, तो इसको भी अलग बाहर निकाल दिया हमने। अब बचाइए 2c + c² इंटू माइनस mc अपॉन kt इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ये सारा है इक्वल टू 0 ही है ना, क्योंकि तो पहले लिख दिया हमने कि डिफरेंशिएशन करो इसकी विद रिस्पेक्ट टू सी और रिजल्ट को इक्वल टू 0 कर दो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फैक्टर ये जो है ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। अब बचा क्या फैक्टर, ये एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 kt, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी 0 कब होगा, जब e की रेज टू पावर क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी, तो मतलब ये इन्फिनिटी होना चाहिए, तो ये इन्फिनिटी कब हो सकता है, जब टेम्परेचर 0 हो, 0 केल्विन, या c जी इन्फिनिटी हो, दोनों पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो बचा गया फिर कि ये वाला फैक्टर 0 होगा जो बाकी प्लस माइनस वाला है, ठीक है, तो उसको 0 पुट कर दिया, तो सी पहले निकाल दिया, इसमें सी कॉमन था, सी भी हटा दिया, तो बचा गया 2 - mc² अपॉन के टी, ये सी और ये सी हटा दिए, तो माइनस mc² अपॉन के टी इक्वल टू -2, ये 2 इधर ले गए, माइनस माइनस कैंसिल, तो mc² अपॉन के टी इक्वल टू 2, मीन्स c² जो है दैट इज 2 kt अपॉन m, तो इसका मतलब c क्या हो गया, 2 kt ओवर m रेज टू पावर 1/2, और दिस c इज एक्चुअली cp, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये पर मॉलिक्यूल और ये पर मोल, समझ गए? तो इस तरह से वी कैन डिराइव, आई होप कि आप कर लोगे, हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, समझ समझ के करना है चीजें। अब मैं ये पूरा लिखा है समझ समझ के, आई एम वर्किंग हार्ड मोर देन यू, ये सब मैंने लिखा है खुद, दिख रहा है ना मेरी राइटिंग है, किसी से लिखवाया गया, मैंने लिखा है ना, तो आपको भी इससे मेरे से डबल मेहनत करनी चाहिए कि नहीं, कौन करेगा, देश की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, बस बोलना होता है वहां पे, जो 10th बोलते थे ना, 10th 12th तक बोलते थे ना, बोलते थे, पर कैसे करनी है पता नहीं होता था, पर अब आपको हेल्प योर सेल्फ, कम से कम अपनी तो रक्षा करो, ठीक है, MSc लास्ट ईयर है ना फिजिकल केमिस्ट्री के, आप मास्टर बनने जा रहे हो, जैसे बोला खुश होगी लड़की, मास्टर तो बन जाऊंगी कम से कम, बाकी बनू ना बनू कुछ, ओके, एनी हाउ एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। देखो अब एवरेज वेलोसिटी है, पहले हम क्या ले रहे थे, माइनस इनफिनिटी इंडिविजुअल वेलोसिटीज, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, बट एवरेज वैल्यू जो है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जिसे काइनेटिक एनर्जी है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, तो
वेलोसिटी जो है एवरेज वो जीरो से कम तो नहीं हो सकती ना, तो हम इसको इसलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। वो मैंने बोला था ना सी इंटू पी सी डी सी, पीछे दिखाया था आपको कि वो यू वन एन वन यू वन प्लस एन टू यू टू है ना, और उसमें क्या था एन वन यू वन स्क्वेयर प्लस एन टू यू टू स्क्वेयर डिवाइड बाई टोटल पावर वन बाई टू। इसका मतलब जब हम इसको रूट मीन स्क्वेयर में जाएंगे ना इसी को ही, तो कैसा हो जाएगा वो जीरो टू इन्फिनिटी सी स्क्वेयर इंटू पी सी डी सी है ना, और पूरे की पावर वन बाई टू ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसकी बात करते हैं, चलो तो जीरो टू इन्फिनिटी सी इंटू डी एन बाई एन या जीरो टू इन्फिनिटी सी इंटू पी सी डी सी। अब पी सी इंटू डी सी आपको पता ही है क्या था, अच्छा मैं लिखते लिखते ये छोड़ दिया, ये फोर पाई था, फिर एम अपॉन टू पाई के टी रेज टू पार थ्री बाई टू है ना, फिर सी स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वेयर अपॉन टू के टी इंटू डी सी ऐसा था। ये जो फोर पाई सी स्क्वेयर डी सी तो याद ही रखो है ना, ओके। अब इसको सब्सटीट्यूट कर दो पी सी डी सी को, तो फोर पाई एम अपॉन टू पाई के टी थ्री बाई टू तो ऐसे रख दिया जीरो टू इन्फिनिटी, और एक सी है और ये सी स्क्वेयर है, तो क्या हो जाएगा सी क्यूब और एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वेयर अपॉन टू के टी इंटू डी सी। अब ये जो है ये इसको ऐसे लिख सकते हैं टू एन प्लस वन एक्स, ये फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, एक पीछे भी बताया था मैंने एक्स रेज पर एन ई रेज पर माइनस ए एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ऑड हो इवन हो ऐसा करके बताया था, एक माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाला था। अब जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज पर टू एन प्लस वन ई रेज पर माइनस ए एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, तो दैट इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई ए रेज पर एन प्लस वन। तो यहां पे c की पावर कितनी है थ्री। अब मैं माइनस एम अपॉन टू के टी इसको ले लूं a, ठीक है ना, और जो ये c क्यूब है तो ये टू एन प्लस वन इक्वल टू थ्री है, टू एन प्लस वन इक्वल टू थ्री, तो n क्या हो गया यहां वन, तो यहां n क्या होगा वन। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैंने लिखा n फैक्टोरियल, तो दैट मीन्स n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू सो ऑन थ्री टू वन ऐसा होता है ना, तो वन फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे, n वन है वन फैक्टोरियल आएगा, तो a की पावर वन प्लस वन क्या हो जाएगा a की पावर टू। तो देखो a ले लिया मैंने m अपॉन टू के टी और टू एन प्लस वन थ्री है तो n वन आ गया, तो ये आ गया c क्यूब इंटू ई रेज पर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी सी, तो वन बाई टू इंटू वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई ए रेज पर n प्लस वन वन प्लस वन, तो वन अपॉन टू इंटू ए स्क्वायर हो गया। इसका मतलब वन बाई टू और a की वैल्यू क्या थी m अपॉन टू के टी, तो ये क्या हो जाएगा 2kt upon m raised to power 2, और ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ये तो वैसे ही था, ये पूरा वैल्यू आ गया इसका। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8kt upon pi m raised to power 1 by 2, तो इस तरह से वी गेट एवरेज वेलोसिटी पर मॉलिक्यूल एंड पर मोल। तो सिर्फ आपको जो मेन चीज जो याद रख रही है वो ये है कि x रेस्ट पर 2n प्लस 1 इंटू ई रेस्ट पर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाई टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए रेस्ट पर n प्लस 1, ठीक है। तो इस रिलेशन को इस तरह से हमने कन्वर्ट किया।
नाउ एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए अभी बताया था मैंने आपको, जीरो टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर इंटू पी सी डी सी रेज टू पावर वन बाई टू, स्क्वायर रूट हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पी सी डी सी तो पता ही आपको, और जो ये वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर की, तो ये 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के टी 3 बाई टू अलग कर दिया। अब जो जीरो टू जो इंटीग्रेशन हुई वो ये जीरो टू इन्फिनिटी, पहले क्या था सी क्यूब, अब क्या हो गया सी की पावर 4 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी इंटू डी सी। ये रिलेशन मैंने बताया आपको, वहां पे क्या था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब देखो याद रखना आप, जब ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी लिखा हो ना, तो दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो समथिंग वही वैल्यू, प्लस जीरो टू इन्फिनिटी वही वैल्यू, और ये वैल्यू सेम आती है। समझ में आया बात, साइन चेंज हो सकता है बट वैल्यू सेम आएंगी, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ठीक है। तो मैंने ये बताया था आपको कि अगर ये वैल्यू जो है कि अगर n इवन है तो ये होता है गामा फंक्शन, गामा n प्लस वन बाई टू डिवाइड बाई a रेज टू पावर n प्लस वन बाई टू, ये वैल्यू होती है अगर ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो, बट ये है जीरो टू इन्फिनिटी, इसलिए क्या हो जाएगा वन बाई टू, हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे n कितना है 4, तो 4 प्लस 1 बाई टू मतलब गामा ऑफ 5 बाई टू, और ये a की पावर भी 5 बाई टू इंटू 1 बाई टू, ये गामा बताया था मैंने 5 बाई टू गामा क्या होता है, ओहो सब आते हैं ना 3 बाई टू 1 बाई टू इंटू अंडर रूट पाई, सारे बताए ना कहाँ तक बताया था इतने ज्यादा, तो ये आता है। तो इस तरह से a ले लिया हमने m अपॉन टू के टी सेम वैसा ही, तो ये आएगा c की पर 4 इंटू ई रेस पर माइनस ए सी स्क्वेयर इंटू डी सी, वन बाई टू कॉमन इंटू गामा फंक्शन ऑफ 5 बाई टू डिवाइड बाई ए रेस पर 5 बाई टू, और ये गामा फंक्शन ऑफ 5 बाई टू जो है वो आ जाएगा 3 बाई टू इंटू 1 बाई टू इंटू पाई पाई 1 बाई टू पाई की पावर 1 बाई टू डिवाइड बाई ए की पावर 5 बाई टू, तो उससे ये वैल्यू आ गई। सर वो माइनस इनफिनिटी से जीरो होगा तो उसमें भी 1 बाई टू होगा, हाँ सेम आएगा है ना। तो ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, अगर मैं इसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखता, पी की पावर एक्स की पावर एन ई रेस पर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अगर ऐसा होता तो आता एन प्लस वन डिवाइड बाई टू ए की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये बताया था मैंने। अगर जीरो टू इन्फिनिटी है तो वन बाई टू आ गया, हाफ हो गया बस, ठीक है। ओके तो ये वैल्यू आ गई अपने 3 बाई एट अंडर रूट पाई और a की पावर 5 बाई टू की वैल्यू 2 के टी अपॉन एम कर दिया, m अपॉन 2 के टी था, यहाँ 2 के टी अपॉन एम की पावर 5 बाई टू, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई, ये वैल्यू रख दी, ये इसकी वैल्यू आ गई, तो इसको सॉल्व करके आता है 3 के टी अपॉन एम रेज टू पावर 1 बाई टू। तो इस तरह से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई, ये पर मॉलिक्यूल है ना, ये पर मॉलिक्यूल और ये पर मोल। तो मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, ये मोस्ट फॉर वेलोसिटी सबसे कम होती है वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी उससे ज्यादा, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा। तो ये इस तरह से तीनों वैल्यू आती है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, उससे कम एवरेज वेलोसिटी की, उससे कम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की।
ये जो नोटेशन है ना वो अलग अलग दिए है हर एक बुक में, जैसे इसमें ऐसे दिया एवरेज वेलोसिटी, कहीं में मोस्ट वेलोसिटी अल्फा से डिनोट किया है, फिर ये जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये कुछ बुक्स में ऐसे करके दिए है ताकि सामने दिख जाए कि स्क्वायर ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, पर हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख देना इट इज डिनोटेड बाय म्यू अपनी तरफ से, ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार लिखना जो है डिफिकल्ट था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है।